नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट्स लाइफ में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों 6 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। 6 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पहला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? उत्तर है 4 जुलाई। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कौन सा राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचा सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? उत्तर है कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में 1 मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? उत्तर है दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ को कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? उत्तर है 40। आपका अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? उत्तर है बोत्सवाना। आपका अगला प्रश्न है, धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया गया? उत्तर है 4 जुलाई। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस COVID-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? उत्तर है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। आपका अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है पीटर फुल्टन। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को कौन से तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर है 14 जुलाई। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 6.4%। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मैं मुलाकात जरूर होगी। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया।